हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू रूट्स एयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। हमारे साथ हमारे हैप्पी पेशेंट है। इनका हमने 12 मई को हेयर ट्रांसप्लांट किया था और इनकी ये रिजल्ट है। आप हमें हमारे रिजल्ट दिखाएंगे? ओके, ये साइड देखिए, अब ये साइड देखिए, स्ट्रेट देखिए। सो हाउ वाज योर जर्नी, कैसा रहा आपका हेयर ट्रांसप्लांट? बहुत बढ़िया रहा मुझे, मतलब एक्चुअली नागपुर में ही रहता हूँ मैं, तो नागपुर में मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए थे पहले, बट मुझे ये क्लिनिक में आके ऐसा रिलायबल लगा और एकदम ट्रस्टवर्दी लगा, तो मैं इसी को चूज़ किया। और ये बजट में भी था मेरे, तो मैंने इसी को चूज़ करके फिर अपना 12 मई को स्लॉट बुक किया और फिर ट्रांसप्लांट करवाया। अभी लगभग 7.5 महीने हो गए हैं और मैं अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं ही नहीं, मेरे घर वाले भी बहुत खुश है और मेरे दोस्त भी, तो मुझे पहचानने में ही मतलब ये बोल रहे थे कि भाई तू नहीं है ये ऐसा, तो मैं बोला भाई नहीं ऐसा ऐसा है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी किया है और आगे जाके कुछ महीनों में मेरे दोस्त भी करवाने वाले हैं, तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड कराऊँगा कि अगर आप नागपुर के हो या फिर नागपुर के बाहर से भी हो, तो भी आप यहाँ पे आके एक बार दिखाइए और आपको अच्छा ही लगेगा और आप यही से ही करवाओगे ट्रांसप्लांट। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस थ्रू आउट द सर्जरी, क्लिनिक, क्लिनिक का स्टाफ, डॉक्टर्स? बहुत बहुत फ्रेंडली स्टाफ है आपका। मतलब मेरी जिस दिन सर्जरी थी उस दिन, मतलब सुबह मैंने डॉक्टर से बात करना शुरू की और शाम तक आते आते सारे, मतलब टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर सारे इतने फ्रेंडली हो गए थे कि मतलब अच्छा लग रहा था एकदम। और सर्जरी शुरू हुई, ख़त्म कब हुई, 8 घंटे 8.5 घंटे कब बीते पता ही नहीं चला। ओके, सो अभी कोई नए लोग हैं या जो इनका कोई प्रॉब्लम है हेयर का, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले, मैंने तो ये सजेस्ट किया है, मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि भाई ये बाल कैसे आ गए वापस। तो मैं इंस्टाग्राम पे वगैरह जब फोटो पोस्ट करता हूँ तो मुझको ऐसा पूछते हैं वो कि भाई बाल कहाँ से आ गए, तो मैं बोलता हूँ भाई मैंने ट्रांसप्लांट करवाया। फिर वो मैं अपने ही इसी क्लिनिक का, न्यू रूट्स का ही उनको सजेशन देता हूँ कि भाई तुम यहीं से करवाना। तो ये हमारे पेशेंट है, इनका हमने 7 मंथ ऑलमोस्ट हो गए हैं, इनकी PRPs होगी, इनके रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं, इट्स सुपर नेचुरल हेल्दी, ऑल ऐसा हेल्दी, दे आर ग्रोइंग वेल। इनके बाल कर्ली है, तो बाल कर्ली आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट है या कुछ है, जैसे कर्ली थे थ्रू आउट इनके बाल कर्ली है, इनके बाल कर्ली आ रहे हैं और एक अच्छी थिक डेंसिटी इनको हमने दी है। प्लस इनका जो मेन लुक है, ये यंग पेशेंट है, तो इनको हमने 22 ईयर्स का लुक दिया है, जो इनका जो मेन मोटिव था वो फुलफिल हो गया है। सो यू आर हैप्पी? यस सर। ओके, बहुत ज़्यादा। या थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। ओके।